ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए YouTube चैनल में ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके अलावा यदि आप Facebook या Instagram देख रहे हैं तो उसमें भी ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो विषय है वह है लग्न भाव के स्वामी का कुंडली के 12 ही भावों में क्या रिजल्ट देता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लग्न और लग्नेश, यानी कि लग्नेश का मतलब होता है लग्न भाव का स्वामी। यह वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसका रहस्य देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। या फिर ये पहले ये देख लेते हैं और उसके बाद में लग्न और लग्नेश देखते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और सुविधा रहेगी इस जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो लग्न के बारे में मैं चर्चा जो की है वो पिछले वीडियो में की है और लग्नेश यानी लग्न भाव का स्वामी, इन दोनों का अत्यंत गूढ़ रहस्य मैंने आपके सामने उजागर करने का प्रयास किया है। अधिक विलंब न करते हुए आज जिस मुद्दे पर मैं ये सब्जेक्ट लेकर आया हूँ वह है लग्न भाव का स्वामी। लग्न कौन होता है? आपका कुंडली का प्रथम स्थान जिसे हम अंग्रेजी में फर्स्ट हाउस कहते हैं। तो फर्स्ट हाउस का स्वामी कुंडली में 12 स्थान होते हैं लग्न से लेकर 12 तक। तो 1 से लेकर 12 तक मैं थोड़ा थोड़ी जानकारी दूंगा, आपके समझ आ जाएगा। यदि मैं विस्तार से ये जानकारी देऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और 1 घंटे का होता है, इसलिए इसको मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और हम आगे से आपके आगे नए नए सब्जेक्ट लेकर आएँ और आपके ज्योतिष संबंधी जानकारी दें। इसी संदर्भ में मैं लग्न भाव का स्वामी के प्रथम भाव का, यदि प्रथम भाव में ही लग्न भाव का स्वामी लग्न में ही स्थित हो तो ऐसे में पूर्व वीडियो में मैंने बताया था कि लग्न आपका पूरा शरीर होता है और आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसे देखा जाता है। तो लग्न भाव का स्वामी यदि लग्न में ही स्थित होगा तो ऐसे में उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो बीमार कम पड़ेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ है और लंबी उम्र वाला होगा। इसके अलावा उसके सोचने समझने की जो तर्क शक्ति है, बुद्धि होती है, वो बुद्धि उसकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत देखी जाती है। वो जब बुद्धिमान होगा तो स्वाभाविक है कि वो विद्वान अवश्य होगा। विद्वान होगा तो उसको धन कमाने की कला भी होगी, कहाँ खर्च करना है और कहाँ बचत करनी है और कहाँ पर उसको धन को लगाना है और जिससे दुगना हो सके या आगे से आगे बढ़ोतरी हो, इसलिए वो धन पर भी ध्यान देता है। और जब विद्वान होगा तो स्वाभाविक ही ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है। प्रसिद्धि पाने के लिए यह लग्न भाव का स्वामी यदि लग्न में ही स्थित हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कहें कि सक्सेसफुल लाइफ के लिए लग्न भाव का स्वामी लग्न में ही स्थित होगा तो अत्यंत शुभ माना जाता है। अब ये तो मैंने उसकी शुभता की बात करी है, मैं सभी में चर्चा नीच की नहीं करूँगा, पीड़ित होने की नहीं करूँगा, सिर्फ इसमें कर रहा हूँ यदि लग्न भाव का स्वामी किसी भी रूप से पीड़ित हो, पीपी यानी कि पीड़ित होने का मतलब है इस पर जहाँ लग्न भाव का स्वामी प्रथम स्थान पर बैठा हुआ है और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वो पीड़ित कहलाता है। उसी प्रकार से यदि किसी पापी ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो तो उसको भी हम पीड़ित अवस्था बोलते हैं। इसके अलावा पाप करती हो यानी कि लग्न भाव के जहाँ ये बैठा हुआ है इसके आगे और पीछे दोनों तरफ दोनों के मध्य यानी कि दोनों तरफ यदि पाप ग्रह क्रूर ग्रह होंगे तो ऐसी अवस्था में ये पीड़ित होगा। पीड़ित होने पर उसका जो दिमाग है अस्थिर होगा, सबसे पहले उसका दिमाग पर असर पड़ता है तो दिमाग अस्थिर होगा। जब दिमाग अस्थिर होगा तो वो अनैतिक कार्यों में लिप्त होता है और
जब अनैतिक कार्य में लिप्त होगा तो वो दूसरों की स्त्रियों पर, दूसरी की बहन बेटों पर नज़र डालता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा जातक का जो विवाह होता है वो विवाह तलाक की नौबत मतभेद हो सकते हैं और उसका विवाह कुछ समय टूट जाता है और दूसरा विवाह का योग बनता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका लग्न भाव का स्वामी लग्न में ही बैठा हो, क्योंकि लग्न भाव का स्वामी जो है उसकी दृष्टि सीधी सीधी सप्तम दृष्टि सातवें स्थान पर पड़ती है। तो सातवां स्थान आपके दाम्पत्य सुख का कहलाता है और जब ये पीड़ित हो जाएगा तो आपके दाम्पत्य जीवन को अवश्य में प्रभावित करता है। ऐसे में इसे इसके या तो दाम्पत्य जीवन चलेगा नहीं और यदि चल गया तो टूटेगा और दूसरा विवाह होने की पूरी संभावना होती है। ये तो था आपके लग्न भाव का स्वामी का लग्न में स्थित होने का फल। अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं, दूसरा आता है लग्न भाव का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर होगा। दूसरा भाव वैसे भी आप सभी जानते हैं, यदि नहीं जानते थोड़ा जानकारी देता हूँ। दूसरे भाव जो आपके प्रथम भाव से दूसरा भाव जो आता है वो आपका धन भाव कहलाता है और दूसरा है ये आपकी वाणी का होता है। आपकी वाणी मधुर होगी कैसी होगी और ये आपके परिवार से संबंध रखता है। इसके अलावा ये आपके परिवार कुटुंब वाणी और आपके बैंक बैलेंस के बारे में ये दूसरा भाव देखा जाता है। तो ऐसे में यदि लग्न भाव का स्वामी दूसरे स्थान पर बैठेगा तो जो स्वयं प्रयास करता है वो अपने परिश्रम से धन कमाता है, वो किसी दूसरों के बल पर नहीं रहता है और वो अपने दम पर अपने खुद की मेहनत से वो बहुत ज़्यादा धन कमाने में माहिर होता है। स्वभाव उसका वैसे अच्छा होगा। जब लग्न भाव का स्वामी दूसरे में बैठेगा और शुभ अवस्था में होगा तो ऐसे में उसकी वाणी मधुर होगी। जब वाणी मधुर होगी तो वो हंसमुख रहेगा तो वो सबकी नज़र में बहुत प्रसन्न मुख वाला, स्वभाव अच्छा, नेचर से इसको अच्छा कह सकते हैं। और दूसरा ये धार्मिक, कारण क्या है, लग्न भाव का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर बैठता है तो ऐसे में वो धार्मिक विचार वाला कहा जा सकता है, परिवार के प्रति पुण्यतया समर्पित रहता है। और ऐसा व्यक्ति यदि व्यापार करे, कोई बिजनेस करे और ये दूसरे भाव के स्वामी से संबंधित, दूसरे भाव का स्वामी जहाँ स्थित होगा उससे संबंधित यदि व्यापार करे तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में अच्छा सफल होता है। और यदि यह लग्न भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठकर यदि पीड़ित अवस्था में होगा तो इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, यानी कि उसको जो वाणी है उसमें कटुता आ जाएगी, गाली गलौच होना, सिगरेट पीना, धूम्रपान करना, ये सारी बातें उस पर प्रभावित होती है और वो परिवार के प्रति लापरवाह हो जाएगा। जब परिवार के प्रति लापरवाह होगा तो धन कमाने में वो निठल्ला कहा जा सकता है। तो ये इसके गुण बताए हैं। और यदि ऐसा व्यक्ति लग्न भाव का स्वामी दूसरे स्थान पर हो और वह कोई व्यापार करे तो उस व्यापार में जब नीच होगा, पीड़ित होगा, तो ऐसी स्थिति में वो व्यापार करेगा तो उसको नुकसान होता है। अब लग्न भाव का स्वामी यदि तृतीय स्थान पर बैठ जाए तो लग्न भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश तृतीय स्थान पर बैठेगा तो ऐसे जातक, तीसरा स्थान साहस पराक्रम का कहलाता है, तो ऐसा जातक में पराक्रम अटूट होता है, मजबूत होता है और वो अत्यंत साहसी होता है। छोटी मोटी चीजों से वो नहीं घबराता है, छोटी मोटी परेशानियों को वो ऐसे ही झेल लेता है। तो तीसरे भाव में जब स्थित होगा तो उसका पराक्रम श्रेष्ठ का जाएगा, साहसी होता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न भाव का स्वामी तीसरे स्थान पर बैठता है तो उसकी छोटी मोटी यात्रा तो ऐसे ही होती रहती है। और वो यदि इंटरनेट या डिजिटल जो आजकल है इससे संबंधित कोई व्यवसाय करेगा तो उसमें हो सकता है वो सफल हो। वो कलात्मक योग्यताओं वाला होता है और सम्मानित व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है और वो हमेशा हंसमुख बना रहता है। लग्नेश यदि पीड़ित होगा तो इसके विपरीत परिणाम आपके सामने आएंगे। वो क्या है, सबसे पहले उसका साहस कमजोर हो जाएगा, उसका मनोबल अत्यंत गिर जाएगा, वो छोटी छोटी बातों में घबराने लग जाएगा जब वो लग्नेश कमजोर होगा तो या पीड़ित होगा। ये था लग्न भाव के
तीन तक का बताया मैंने, अब आया लग्न भाव के चतुर्थ स्थान। चतुर्थ स्थान वैसे आपके घर की चार दीवारी कहलाता है, चतुर्थ स्थान आपकी माता का स्थान कहलाता है, चतुर्थ स्थान आपके चल अचल संपत्ति का मालिक और वाहन सुख आदि, मकान सुख आदि इसी चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। तो लग्न भाव का स्वामी यदि चौथे स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे में ऐसा जातक का झुकाव अपनी माँ के प्रति लगा रहता है, वो माँ के प्रति पूर्णतया समर्पित रहता है, माँ की सेवा में वह पूरी तरह से तत्पर रहता है। दूसरे शब्दों में देशभक्ति की यदि हम चर्चा करते हैं तो ऐसा जातक देशभक्त होता है, देश के प्रति समर्पित होता है, यहाँ तक कि देश के प्रति वो बलिदान तक दे सकता है। तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि विवेकशील पर अपने व्यक्तित्व को निखारता है माता के लिए, मैंने आपको शुभ बताया है। ऐसा जातक माता के प्रति झुकाव होने के कारण वो मात्र भक्त कहलाएगा। ऐसा जातक मात्र भूमि के लिए पुण्यता समर्पित होगा। लग्नेश और चतुर्थ चतुर्भाव का स्वामी यदि यहीं पर चतुर्थ भाव का स्वामी का संबंध बन जाए तो ये त्रिकोण और केंद्र का संबंध होता है, ऐसे में ये प्रबल राजयोग कारक होता है। तो ये राजयोग कारक अच्छा माना जाता है, ये एजुकेशन के लिए भी वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब आता है लग्न भाव का स्वामी का पांचवें स्थान पर स्थित होना। लग्न भाव का स्वामी यदि पांचवें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे में यह बेहतर माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और लग्न भाव का स्वामी पांचवें स्थान पर बैठेगा तो वह अपनी बुद्धिमत्ता से काम करेगा, संतान की दृष्टि से यह शुभ नहीं कहा जा सकता है। और लग्नेश यदि पंचम स्थान पर स्थित होगा तो ऐसा जातक इसकी समय अवधि यानी कि इसकी महादशा अंतरदशा में लव के प्रति यानी कि प्रेम के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है। वो जो लव मैरिज हुआ या प्रेम रोगी बनता है वो इस कारण ही बनता है, कलात्मक क्षमता अच्छी रहती है। यदि वो कला की दृष्टि से देखा जाए तो एक अच्छा कलाकार बन सकता है। और यदि वो शेयर बाजार से कैपिटल मार्केट से कार धन कमाना चाहे तो ऐसे में इसको शुभ माना जाता है, लेकिन शर्त यही है कि ये पंचम भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये पंचम भाव यदि पीड़ित होगा तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति नुकसान ही उठाता है। यदि पंचम भाव का स्वामी पीड़ित होगा तो ऐसे में व्यक्ति यदि कैपिटल मार्केट जुआ सट्टा लगाया तो वह नुकसान ही उठाएगा। अब लग्न भाव का स्वामी यदि छठे भाव में स्थित होगा और वो मजबूत अवस्था में होगा तो सर्वप्रथम वो उसके सामने जो प्रतिद्वंदी होते हैं यानी कि उसके शत्रु उसके सामने नहीं टिक पाते हैं, वो शत्रुहंता होता है नंबर वन, क्योंकि इसको छठे भाव को हम रोग ऋण और रूपों कहते हैं। यदि मजबूत अवस्था में होगा तो शत्रुहंता होगा। दूसरा वो बीमारी से संघर्ष करने वाला यानी कि वो स्वस्थ रहेगा, बीमारी उसके कभी नहीं होगी यदि मजबूत होगा तो। और उसके अलावा इसकी महादशा में यदि कोई कंपटीशन फाइट करता है तो उसको बेहतर सफलता मिलती है इस अवधि। वो ऐसा व्यक्ति यदि हम करियर की बात करें तो लग्न भाव का स्वामी यदि छठे स्थान पर बैठेगा तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकता है या आर्मी के क्षेत्र में जाता है, और दोनों ही क्षेत्रों में वो उच्च पद प्राप्त कर सकता है। और यदि वो सेवा कार्य करेगा पूर्ण अपने सच्चे मन से तो वो दिनों दिन ऊंचाइयों को छूता चला जाएगा। और लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सही नहीं कहा जा सकता है। ऐसा जाता है कि यदि किसी के लग्नेश यहाँ पर आकर कमज़ोर पड़ जाए तो उसका बीमारी आए दिन घेरे रहती है और वो अधिकतर तकलीफ पाता है, कर्ज के जाल में जो फंसता है। वो लग्न भाव का स्वामी यदि छठे स्थान पर हो और वो किसी भी प्रकार से पीड़ित होगा तो ऐसे में इसकी महादशा आने पर ऐसा व्यक्ति कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस जाता है और वो निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। अब लग्न भाव के स्वामी का यदि हम सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो मैंने बताया था कि लग्न भाव का स्वामी की सप्तम दृष्टि सातवें स्थान पर पड़ने के कारण
एक दूसरे का संबंध यानी लग्न स्वयं जातक होता है या जातिका होती है, और सातवां स्थान जो है उसका दाम्पत्य जीवन के बारे में बताता है, और इसके बिजनेस के बारे में भी हम बता सकते हैं। यदि कोई व्यापार करना चाहता है तो व्यापार के लिए सातवां भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे आप सभी जानते हैं कि हम कैरियर से संबंधित चर्चा करते हैं और बिजनेस के बारे में देखते हैं तो हम दसवें भाव पर नज़र डालते हैं, लेकिन पाराशर ऋषि के अनुसार भावात भवाम की जो फार्मूला है, वो सूत्र है, वो दसवें भाव से सातवां स्थान दसवां ही कहलाता है। तो ऐसे में सातवें स्थान से हम बिजनेस कैरियर की किस तरह से आप बिजनेस करेगा उस पर हम आसानी से जांच कर सकते हैं, पता लग सकता है। और ऐसा सप्तम भाव में यदि चर राशि स्थित हो तो उसकी यात्राएं अधिक होती है। सप्तम भाव में स्थित लग्नेश अपने भाव पर दृष्टि यानी कि अपना लग्न भाव पर, जब लग्न भाव का स्वामी सातवें स्थान पर बैठेगा तो उससे बैठने पर सातवीं दृष्टि उस पर स्वयं पर पड़ती है। तो यह स्थिति समृद्धि के लिए बेहतर मानी जाती है, लेकिन कभी कभी यह दो विवाह तक करा देता है। अब लग्न भाव का स्वामी अष्टम स्थान पर स्थित होगा। वैसे एक बात बता दूं, छठा आठवां और बारहवां भाव वो पीड़ित कहलाता है, वो आपके कष्टों का भाव कहलाता है। ऐसा जातक इंश्योरेंस से संबंधित कार्य करे तो उसको फायदा होगा, और ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति मिलने के चांस रहते हैं। कोई वसीयत के रूप में इसको अधिक धन प्राप्त होता है, और अचानक धन लाभ का जो संकेत है वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। तो अष्टम भाव तो ये शुभ हुआ, अब अशुभ प्रभाव क्या पड़ता है? लग्न भाव का स्वामी यदि अष्टम स्थान पर बैठता है तो वह अनैतिक तरीकों से धन कमाने में माहिर हो सकता है। किसी की मृत्यु के बाद वसीयत के रूप में अचानक धन मिलता है, और अन्य कारणों से भी जो अचानक धन लाभ होता है वो अष्टम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि हम आध्यात्मिक विचार की तरफ चर्चा करते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति आध्यात्म होता है, उसका झुकाव अध्यात्म यानी कि पुस्तकें पढ़ना उसका विशेष शौक रहता है, और तंत्र मंत्र की जो होता है, तंत्र की साधना, मंत्र की साधना, गुप्त साधनाएं, गुप्त रहस्य, और ये आपके जो ज्योतिष है वो ज्योतिष भी अष्टम भाव को ही प्रभावित करता है। तो ऐसे में लग्न भाव का स्वामी यदि अष्टम पर बैठेगा तो वह अच्छे श्रेणी का ज्योतिषी हो सकता है, अच्छा तांत्रिक हो सकता है, और अच्छा साधु भी हो सकता है। ये अलग अलग भावों पर निर्भर करता है। और साथ में मैंने अनैतिक जो शब्द लिया था कि अनैतिक तरीकों से वो पैसा कमाता है, तो अनैतिक में ये जुआ सट्टा भी इसी में आता है, वो अनैतिक जुआ सट्टा से भी पैसा कमा सकता है। और सबसे बड़ी खराब बात यह है कि वो दूसरी की स्त्रियों पर कुदृष्टि रखता है। बुरा नहीं माने, ये सभी पर लागू नहीं होता, लेकिन इसके जो प्रभाव है उसके बारे में मैंने चर्चा की। अब अष्टम भाव का स्वामी नाइन्थ हाउस नवम भाव में स्थित होगा, तो नवम भाव धार्मिक और आपके भाग्य का स्थान कहलाता है, आपके पिता का स्थान कहलाता है। तो लग्नेश का लग्न भाव का स्वामी यदि नवम भाव में स्थित होता है तो एक प्रकार से केंद्र और त्रिकोण का अति शुभ संबंध माना जाता है। ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है, पिता का भक्त होता है, पिता के आदेश की पालना करने वाला होता है, और पिता की ही कृपा से वो बुद्धिमान होकर धार्मिक आस्था रखता हुए और जीवन में उसका भाग्य निरंतर साथ देता रहता है। बड़े बूढ़ों का जब उसको आशीर्वाद मिलता है तो वह ऊंचाइयों को छूता जाता है, और यदि कभी कठिन विपरीत परिस्थिति आ जाए तब भी पितृ कृपा से उसके जो कष्टदायी जीवन है उससे निजात मिल जाती है, कोई ना कोई उसको तरीका मिल ही जाता है। पीड़ित हो तो इसका हमेशा उल्टा होता है, उल्टा यानी वो भाग्यहीन हो सकता है, वो पिता और पुत्र का संबंध अलग हो सकता है, और वो एक तरह का नास्तिक भी हो सकता है। तो लग्न भाव का स्वामी नाइन्थ तक मैंने आपको बताया, अब आता है टेंथ हाउस।
लग्न भाव का स्वामी यदि दसवें स्थान पर स्थित होगा तो जो लगने से उसका दसवें स्थान पर बैठना, दसवां स्थान आपके कर्म क्षेत्र का, आपके यश मान कीर्ति का स्थान कहलाता है। तो ऐसे में लग्न भाव का स्वामी यदि दसवें स्थान पर स्थित होगा तो उसका जो झुकाव होता है वो कर्म के प्रति मजबूत होता है, वो कर्म को ज़्यादा महत्व देता है धर्म की अपेक्षा, वो कर्म पर झुकाव रहेगा, कर्म प्रधान होता है, जो कार्य करना है वो आज ही करना है और दूसरों पर नहीं टालता है, दूसरों के अध्ययन नहीं देता है, उसका कर्म के प्रति झुकाव इतना होता है कि वो कड़ी मेहनत जो काम करना है उसको ठान लेता है और उसको पूरा ही करके बताता है। ऐसा करने पर उसको आगे जगह मान सम्मान यश मिलता है, सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहन मिलता है और सरकार की तरफ से उसको इज्जत या धन जो भी है आए दिन सरकार का उसका पूरा सीओ पूरा मिलता है। और लग्न भाव का स्वामी यदि दसवें स्थान पर बैठता है तो वो राजनीति में भी जा सकता है या फिर राज्य सेवा में जाएगा तो वह उच्च पद पर जाता है, उसका जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है ऐसा देखा गया है। उसका पतन कब होता है? यदि उस पर नीच ग्रहों का प्रवाह हो या दुष्ट ग्रहों का प्रवाह हो तो उनकी महादशांतर दशा में उसका पतन हो सकता है, वरना ऐसा व्यक्ति हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। अब एकादश भाव स्थान की चर्चा करते हैं तो लग्न भाव का स्वामी यदि ग्यारहवें स्थान पर स्थित होगा, एकादश भाव ये आपके सोसाइटी का भाव कहलाता है, आपके यार दोस्तों का स्थान कहलाता है और आपके बड़े भाई का भी कहलाता है। तो लग और धन का आई आयस और लाभ भाव, तो लग्न भाव का स्वामी यदि एकादश स्थान पर होगा तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने के मामले में बहुत माहिर होता है, वो धनवान होता है और कुशल होता है। एक यदि व्यापारी बन गया तो अच्छा व्यापारी बन सकता है और वो अरबपति तक बन जाता है और उसको समाज में सम्मान मिलता है। वो यदि समाज के कार्यों में कार्य तो हो तो सोसाइटी में हो उसी उसमें उठने बैठने की रुचि वाला होता है और उसकी एक से देखा जाए तो लग्जरी लाइफ ये धन योग में जो है सबसे श्रेष्ठ स्थान कहा जाता है। इस पर यदि लग्न भाव का स्वामी यहाँ पर बैठ जाए इस पर ग्यारह भाव तो ऐसा व्यक्ति मान धनवान कहलाता है। और मेष लग्न में यदि हम काल पुरुष की चर्चा करते हैं तो मेष लग्न में के अनुसार ग्यारहवां भाव, अब ये ग्यारहवां भाव है ये शनि का स्थान कहलाता है। ऐसे में यहाँ पर सूर्य बुध और शुक्र ग्यारहवें स्थान पर होगा तो ऐसे धन संपत्ति के मामले में मजबूत स्थिति हो सकती है। ये है आपके और बड़े भाई का ऐसे व्यक्ति को खूब सहयोग मिलता है। अब लग्न भाव के स्वामी का बारहवां स्थान आपके खर्चे का भाव कहलाता है, विदेश का भाव कहलाता है और आपके शयन सुख आपके जो निंदा है वो उसके लिए ये बारहवां स्थान कहलाता है। तो ऐसे में लग्न भाव का स्वामी यदि बारहवें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे व्यक्ति को एक तो पहले सुख शांति मिलती है, जब नींद निकालता है तो बड़ी गहरी नींद आती है यानी कि नींद की बीमारी कभी नहीं हो सकती है और उसकी आंखें जो वह है मजबूत रहती है। यह तो मैंने शुभ बताया, लेकिन यदि अशुभ की चर्चा करें तो जनरल वे में कहते हैं कि बारहवां स्थान खराब है, बारहवां भाव हॉस्पिटलाइज करता है यानी कि अस्पताल जेल आदि आता है, तो इसमें बारहवां स्थान अशुभ इस दृष्टि से। लेकिन यह विदेश से संबंधित कार्य करेगा तो उसको फायदा होगा, यदि चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर आर्मी चिकित्सा से संबंधित कार्य करेगा तो उसको सफल मिलता है। ऐसा जातक यदि अपने जन्म स्थान से दूर रहकर कार्य करे तो उसको जीवन में कभी बाधा नहीं आती है और वो दिनों दिन उन्नति ही करता चला जाता है। जितना दूर होगा अपने जन्म स्थान से उतना ही उसका जीवन शुभ माना जाता है। और यहाँ तक ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर बसते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। यदि कोई व्यवसाय वगैरह बिजनेस करे तो चिकित्सा से संबंधित व्यवसाय बिजनेस करेगा तो उसको इसमें जरूर फायदा होता है। ये था आपके लग्न भाव के स्वामी का बारह ही भावों में क्या फल मिलता है, ये मैंने आपको सूक्ष्म जानकारी दी, विस्तार में देता तो कितने घंटे लग जाते। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाइए और अपने विचार प्रकट कीजिए तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने परिजनों को भी इसको शेयर कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।